हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉकरन हैंडबुक फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ इंटरवेंशन। इसके अंदर हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि फनल प्लॉट अगर आप यूज करें तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनका कहना है कि स्मॉल डाटा सेट पर ना काम करें, कम से कम 10 से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। बट एट द सेम टाइम उनमें एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट नहीं होने चाहिए, वरना तो कुछ आएगा ही नहीं, वरना तो आपको पता ही है। अब ये आपको खुद ही देखना है, हेटरोजेनिटी है तब भी ना यूज करें, टोटल होमोजीनियस है तब तो आपको पता ही है। तो ये थोड़ा सा मैशअप्स है चीजें। थर्ड ये बोलते हैं कि आप इसका विजुअल इंस्पेक्शन देखें, विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर फनल प्लॉट का, उससे देखें कि सिमेट्री आपकी कैसी आ रही है। नेक्स्ट, अगर आप बोलें यहां पे कि एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है स्मॉल स्टडी इफेक्ट का, अगर आप बोलें कि स्मॉल स्टडी के कारण थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारा, क्योंकि होता क्या है कि जो स्मॉल स्टडी है ना, बहुत सारी है, वो रिजल्ट्स को कई बार इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो उसका एक तरीका तो यही है, फनल प्लॉट में देख ले, या हम दूसरा ट्रिम एंड फिल एनालिसिस करते हैं, या क्यूमुलेटिव मेटा एनालिसिस भी की जाती है इसके लिए। तो उसमें इनका ये एडवाइस है कि आप ये मत कहिए कि पब्लिकेशन बायस ही एक अकेला एक्सप्लेनेशन है स्मॉल स्टडी को, जो के जो इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, कि इफेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ पब्लिकेशन बायस के कारण नहीं, उसके और भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये अगर आपने फनल प्लॉट लगा लिया, असमिट्री देख ली, सब कुछ कर दिया, तो आप इससे ये नहीं पता लगाते कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आप एट द मैक्सिमम ये पता भी लगा लें कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन इस पे नहीं निकलता है, ये भी याद रखिएगा। एंड लास्ट, तो इन्होंने बिल्कुल ही सारे एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बोल रहे हैं, रिव्यू ऑथर शुड रिमेंबर दैट बिकॉज ऑफ द टेस्ट टिपिकली हैज दिस लो पावर। इनकी हम बात करेंगे, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं। इवन व्हेन ए टेस्ट डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द फनल प्लॉट असिमेट्री, बायस कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। टेस्ट के बेस पे हम एक्चुअली ये नहीं बोलते कि टेस्ट इसके जो हैं, एक्चुअली दो टेस्ट हैं फ्रेंड्स इसके, वो बहुत सुटेबल नहीं है, उसके खुद अपनी इश्यूज हैं। तो आइए देख लेते हैं ये पॉइंट क्या है, टेस्ट कौन से हैं हमारे। तो ये देखने के लिए कि जो हमने फनल प्लॉट बनाया स्टैंडर्ड एरर और इफेक्ट साइज का, इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, इसके लिए हम चेक करते हैं दो टेस्ट, बैग एंड मजूमदार का है और या एगर रिग्रेशन, दो टेस्ट है। पहले इनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट एक तो इस पे डिपेंड करते हैं आपने कौन सा इंडेक्स यूज किया है इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने के लिए। रिमेंबर, आप आर लेके चल रहे हैं या टी लेके या अनोवा लेके या बाइवेरिएट में, आपके पास बाइनरी टेबल है, 2x2 की टेबल है, वो प्रॉब्लम है। सेकेंड, इनके ना पावर खुद में लो, अगर पावर ऑफ टेस्ट की हम बात करें वो इसमें लो है, तो फिर भी ये देते हैं सारे सॉफ्टवेयर ये वाली चीजें, पर हम इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे नहीं। आइए देखते हैं क्या ये। पहला बैग एंड मजूमदार टेस्ट है, ये चेक करता है कोरिलेशन बिटवीन द रैंक ऑफ इफेक्ट साइज एंड रैंक ऑफ वेरिएशन, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो मैंने यहां पे दो अलग अलग यूज किए हैं, ये कैंडल टाउ यूज करता है दो कोरिलेशन के बीच में निकालने के लिए। जेड वैल्यू 1.5, अगर हम 10% पे देखें तो सिग्निफिकेंट है, उससे ज्यादा पे नहीं है सिग्निफिकेंट ये, सॉरी। दूसरा यहां पे आ रहा है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो बढ़िया, ये हमारी होमोजीनियस स्टडी या पब्लिकेशन बायस नहीं है, यहां पब्लिकेशन बायस दिखता है, पर ये थोड़ा सा खुद में ही बायस्ड है, पब्लिकेशन बायस नहीं, टेस्ट बायस है, तो ये बहुत सही चीज इसके नहीं देता है, तो इसको हम बहुत रिपोर्ट नहीं करेंगे। सेकेंड है हमारा एगर रिग्रेशन। एगर रिग्रेशन हमें चेक करता है, इट गिव्स द डिग्री ऑफ फनल प्लॉट असिमेट्री एज मेजर्ड बाय द इंटरसेप्ट फ्रॉम दिस, तो ये रिग्रेशन टाइप का देता है। अब इसमें देखिए पी वैल्यू जो है यहां पर हमारी है 0.04, इसका मतलब हुआ कि हम यहां पे कंक्लूड करेंगे क्योंकि ये वैल्यू 0.0 और इसमें लोअर और अपर लिमिट में देखिए जीरो भी फॉल नहीं कर रहा है, तो यहां हमारा है बायस प्रेजेंट है इसमें किसी तरह का, यानी हेटरोजेनिटी है आपके डाटा सेट के अंदर, एक तरफ दिख रहा है आपका। और अगर इस तरह को देखें 0.07 से ज्यादा है ये, 0.05 से ज्यादा है ये, तो इस केस में हम बोलेंगे कि कोई बायस प्रेजेंट नहीं है, जीरो आ रहा है बीच में, तो यहां पे बायस प्रेजेंट नहीं है। पर इन दोनों के अपनी थोड़ी सी समस्याएं हैं, इसलिए इनको ज्यादा लोग यूज नहीं करते। इनकी एब्सेंस में जो मेटा एसेंशियल है उसने तीन और टेक्निक दी है। पहला वो देते हैं स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल हिस्टोग्राम। नाउ पहली चीज, इसका बोरेनस्टीन की बुक में जिक्र नहीं है, ये मेटा एसेंशियल में गिवन है ये चीज। इनका ये कहना है कि अगर आपके रेजिडुअल्स को हम निकालते हैं और हम मान के चलते हैं रेजिडुअल्स जो हैं वो आपके स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर आने चाहिए, अगर इसके अंदर आते हैं कोई पब्लिकेशन बायस नहीं है क्योंकि इफेक्ट साइज के साथ आप देखिए सेंटर पे आना चाहिए,
अगर ये आ रहा है आपकी प्रॉब्लम है तो फिर हम मतलब इसमें नहीं आ रहे हैं सारे मैक्सिमम बाहर हैं तो हमें दिखता है ये प्रॉब्लम लाइक इस पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छे से फिट नहीं हो रहा है ये डायग्राम। सेकेंड है हमारा गैलब्रेथ प्लॉट या इसको रेडियल प्लॉट भी बोल देते हैं। ये क्या करता है, ये एक तरह का बेसिक आइडिया इज टू रन एन अनवेटेड रिग्रेशन ऑफ जेड स्कोर ऑन द इनवर्स ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। इसका बेसिकली पर्पज है आउटलायर को चेक करना। तो ये हमें दो लाइन देता है और उन लाइन के बीच में हमारे सारे अगर आते हैं तो बढ़िया है, कोई आउटलायर नहीं है। यानी इस केस में ये थोड़े से हमें आउटलायर दिखते हैं जो इससे बाहर हैं, पर इसमें केस में क्या है, हेटरोजेनिटी है। हम ये मान के चलते हैं 95% ऑफ द स्टडी इन दो लाइंस के बीच में आनी चाहिए। तो ये वही जो मैंने रोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी बताया था उसके रिलेटेड है, जिसमें थोड़ी सी 40 स्टडी है और काफी हेटरोजीनियस डाटा है। अगर होमोजीनियस डाटा होगा तो रफली ऐसा दिखेगा, सारी 95% स्टडी इनके बीच में आनी चाहिए, फिर आपका कोई पब्लिकेशन बायस नहीं है, किसी तरह का आउटलायर नहीं है। और तीसरा है हमारा नॉर्मल क्वांटाइल प्लॉट, इसे क्यूक्यू प्लॉट भी बोलते हैं। क्यूक्यू प्लॉट ये मान के चलता है कि एक डायगनल के ऊपर अगर आपकी सारी वैल्यूज आती हैं, तो जैसे ये डायगनल है तो यहां देखिए अगर ये मैक्सिमम एक डायगनल के ऊपर आती हैं, इसका मतलब है आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाटा ठीक है। अगर इससे काफी ऑफ डायगनल आती है, अब देखिए यहां तो वैल्यू ही कम है तो कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी डायगनल पे, दो आ जाएंगी, ये तो स्मॉल बहुत छोटा सैंपल है। लेकिन लार्ज सैंपल और मैक्सिमम इसके ऊपर आए तब आपका कोई बायस किसी तरह के कोई इश्यूज नहीं है, अदरवाइज इश्यूज हैं। ये कुछ तरीके हैं, लेकिन इसके बाद कुछ और लोगों ने और काम किया जैसे टिम एंड फिल, इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।